रीडर्स, आज के एपिसोड में दोनों कपल की स्टोरी है, आपको पसंद आएगी। और कल वाले एपिसोड पर जिन रीडर्स ने अच्छे अच्छे कमेंट किए, इनका बहुत शुक्रिया। आप लोगों को एपिसोड का वेट होता है और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का, इसलिए सब अपनी अपनी राय का इजहार किया करें और टारगेट तो लास्ट में पूरा किया करें। नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 700 लाइक्स और 150 कमेंट है, जल्दी से इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा और वीडियो को लाइक्स भी लास्ट में कीजिएगा। तो चलें आज के एपिसोड रीड आउट करते हैं। नावल नेम दीवानी आरती, तहरीर जुनैरा खान, किस्त नंबर 19। अपने वजूद पर भारी बोझ महसूस होने से अमीरा की आंख खुली, मंदी मंदी आंखें खोलती किस्मत आते इसने काजिम हार के सर के बालों को देखा। वहां से होती इसकी नजर इसकी गर्दन पर, वहां से होती इसकी नजर अपनी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ते काजिम खान के चेहरे पर गई, जहां वो इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए सुकून से सो रहा था। इसके चेहरे को देखते अमीरा ने अपने पीठ पर बोझ महसूस करती अपने ऊपर से थोड़ा सा कंफर्टर उठाकर अंदर जाकर देखा तो काजिम का घुटना अपने पेट पर देख इसने गहरा सांस खर्च किया। घुटना पेट पर रखा हुआ था और एक बाजू इसके सीने के गेट बांधे काजिम खान इसे तकिए की तरह खुद में बीच कर सो रहा था। अमीरा ने हाथ कंफर्टर के अंदर से ही ले जाते काजिम खान को घुटना भर मुश्किल अपने पेट से हटाया। उसके बाद इसका बाजू अपने सीने से हटाते अमीरा ने काजिम का चेहरा अपनी गर्दन से एहतियात से हटाते पीछे तकिए पर रखा। और खुद इसकी जानिब करवट किए इसके चेहरे की जानिब देखने लगी। काजिम के चेहरे से इसकी नज़र फिसलती काजिम के फूले सीने से उलझी अमीरा इसके सीने को देखती हाथ आगे बढ़ाकर इसके मजबूत तवाना सीने को अपनी उंगलियों से सहलाती। वो इसके सीने पर झुकी पूरे हक से काजिम खान के दिल के मुकाम पर अपने लब रखती इसकी नॉर्मल चलती धड़कनों को महसूस करने लगी। वहां से सिरकते इसके लब इसकी गर्दन पर आए थे शारक को लबों से छूते इसने इसके गले की हड्डी पर अपने लब रखते इसे जोर से अपने दांतों में दबाया। काजिम खान जो कब से उठा इसकी तमाम हरकतें देख रहा था अमीरा के इस अंदाज पर इसके लब मुस्कुराए।
इसकी गर्दन से अपने लबों को ऊपर की जानिब ट्रेस करती, इसने काजिम की ठोरी पर अपनी ठोरी रखी और थोड़ा ऊपर की जानिब होती, इसने काजिम हां की बंद आंखों को देखते झुकते इसके डिंपल वाली जगह को बारी बारी चूमा था। इसकी दाढ़ी की मीठी जुबन इसके होंठों को गुदगुदाती मजा दे रही थी। इसकी दाढ़ी पर अपने होंठों को रब करती, वो अपने होंठ इसकी मूछों पर लाई थी, अपने लबों से इसकी मूछों के साथ शरारतें करती मुस्कुरा रही थी। कभी इसकी मूछों पर अपने लब रखती तो कभी अपने लबों को हल्का हल्का सा इसकी मूछों से रब करती। अमीरा को इसकी मूछों के साथ खेलना पसंद था, इसे इसकी ये मगरूर मूछें बेहद पसंद थी। वो सब कुछ बुलाए काजिम खान के वजूद में खो गई थी, वो दीवानी थी काजिम खान की, इसकी हर अदा से इसे इश्क था, वो दिलो जान से मरती थी इस एक शख्स पर जो इसका महरम था। मुझे इश्क है इस एक चेहरे से, अमीरा अपना चेहरा काजिम के चेहरे से हटाती, इसकी दाढ़ी में अपनी पतली उंगलियां उलझाती, इसकी बंद आंखों को देखती, इसके चेहरे पर अपनी सांसें छोड़ती, सरगोशी से बोली, मुझे इश्क है इन दिलकश आँखों से। अमीरा सरगोशी में कहती, काजिम के कानों में अपनी मीठी आवाज़ से रस घोलती, वह इसकी बंद आँखों पर झुकी, बारी बारी इन्हें अपने लबों से चूमने लगी। मुझे इश्क है इस चेहरे पर सजी दाढ़ी से, इसने लब इसकी दाढ़ी पर रखी, काजिम जो सोने की एक्टिंग कर रहा था। अमीरा की सरगोशियाँ अब इसे बेचैन करने लगी थी, इसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। मुझे इश्क है इन होंठों पर सजी, इन मूछों से लबों से इसकी मूछों को छुआ, मुझे इश्क है इन घने मूछों के नीचे छुपे इन होंठों से, वो इसके निचले लब पर अपने होंठ रख गई। और मुझे उनसियत है इन गुलाबी लबों से, जो मेरे चेहरे के नकोश को छूने की गुस्ताखियां करते हैं।
इसके लबों की नरमाहट को महसूस करती। वो कहता इसके होंठों को अपने लबों में दबाता शिद्दत से चूमने लगा। कि अमीरा जो अपने आप में मगन थी अचानक काजिम खान की गंभीर आवाज सुनकर घबराई, और इससे पहले वो पीछे होती काजिम खान इसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। अमीरा के लबों पर झुके इसकी शिद्दत में इजाफा होने लगा। इसके निचले लब को जोर से अपने दांतों में दबाता पीछे की जानिब खींचता छोड़ता पीछे हुआ और अमीरा को एक साइड पर लेटाती इसे कमर से पकड़ती अपने सीने के साथ लगाती इसकी सब्ज आंखों में देखने लगा जो रात भर जागने की चुगलियां खा रहे थे। मेरे सोने का फ़ायदा उठाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अमीरा के चेहरे पर बिखरे बालों को अपनी उंगली से समेटते इसके कानों के पीछे करता काजिम खान मुस्कुराता हुआ बोला। अपने शोहर का फायदा उठाने में कैसी शर्म? अमीरा नाक चिढ़ाकर बोली। बड़ी बेशर्म हो फिर तो तुम। इसके गालों को अपने हाथों की पुश्त से सहलाते वो अंगूठे से इसके निचले सुरख होंठ को सहलाते बोला। आपसे तो कम बेशर्म हूं, अमीरा इसे रात के हवाले से तंज करती बोली। अब तुम्हारी तरह मेरा इन छोटी छोटी पपियों से कहाँ गुजारा होता है? मुझे तो तुम्हारे पूरे वजूद पर अपनी शिद्दतों के निशान चाहिए होते हैं, जिन्हें देख तुम्हें ये एहसास होता रहे कि तुम सिर्फ मेरी हो और ये कहने का हक भी सिर्फ मेरा है। काजिम ने कहते कंफर्टर इसके सीने से हटाते इसके स्याह निशान पर पड़े अपने दांतों के निशान पर उंगली फेरी। सबको ठुकरा कर मैंने तुम्हें चुना है अमीरा काजिम खान, उम्मीद है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी, मुझे दूसरा बिलाज खान नहीं बनने दोगी, मुझे कभी टूटने बिखरने नहीं दोगी, मेरी हर तकलीफ पर तुम मेरी दवा बनोगी, हर मुश्किल में मेरी ढाल बनोगी,
जब कहीं मैं बिखरने लगूं, मुझे अपने सीने में समेट लोगी। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरी होकर रहोगी। मेरे अलावा किसी दूसरे मर्द पर नज़र डालना भी तुम गुनाह समझोगी। अगर मैं मर भी जाऊँ तब भी तुम खुद को मेरी अमानत समझकर संभाल कर रखोगी। काजिम इसकी सब्ज आंखों में देखता बोला। अगर आपने मुझे सबको ठुकरा कर चुना है तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, आपको कभी खोने नहीं दूंगी। अमीरा इसके गाल पर अपना हाथ रखती मान से बोली। आपको अंदाज़ा नहीं है आप मेरे लिए क्या हो। अल्लाह की ताकर्ता नेमतों में से एक नेमत हैं आप। कबूलियत की घड़ी में मांगी गई दुआ का हासिल हैं आप। मेरी किसी नेकी का सिला है आप। अमीरा ने इसके चेहरे पर झुकते काजिम की खुली आंखों पर अपने लब रखे। आपका मेरे साथ होने का जो एहसास है ना, वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आपके होने से मुझे अपनी दुनिया खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत लगती है। काजिम के माथे से अपना माथा टिकाती रवानगी से बोलती वो काजिम खान को मगरूर बना गई थी। इजहारे मोहब्बत तो बहुत अच्छे से कर लेती हो लोमड़ी, काजिम ने शरारत से कहती इसकी नाक दबाई तो अमीरा ने हवा नजरों से इसे इसकी जानिब देखा। अगर आपने मुझे दोबारा लोमड़ी बोला तो मैं दादी को सच में शिकायत लगाऊंगी। अमीरा नाराजगी से कहती इससे दूर हुई। और कंफर्टर अपने सीने से ऊपर की जानिब करते इसे अच्छे से ठीक करने लगी। अगर दादी के सामने तुम्हारी जबान मेरे खिलाफ चली तो याद रखना इस जबान को अपने दांतों से मुझे जख्मी करने में टाइम नहीं लगेगा। और कंफर्टर से खुद को छुपाकर मुझसे क्या छुपाना चाह रही हो, रात में सब देख चुका हूँ।
अब हमारे दरमियान ये पर्दा फजूल है। काजिम ने कहती कंफर्टर खींच कर इसके वजूद से दूर उछाला कि अमीरा खुद को देख शर्म से सुरख हुई, जबकि काजिम खान इसके सुरहियाँ छलकाती चेहरे को देख इसके सीने की नशीबो फराज को देखता मुस्कुराया। बहुत बेशर्म और बेबाक हैं आप। अमीरा इसकी नज़रों को अपनी नाजुकी के आर पार होता देख बेड के कोने पर पड़े कंफर्टर को पाँव से अपनी जानिब खींचने लगी। कंफर्टर को अपने वजूद के गिर्द लपेट कर क्यों इसे मेरा रकीब बनाना चाहती हो? मुझे अपने वजूद के गिर्द ओढ़ कर अपने सीने में छुपा लो। काजिम पाँव से कंफर्टर नीचे फर्श पर धकेलता, टांगे इसकी टांगों की दाएं बाएं रखता। वो इस पर साया फगन हुआ, इस स्याह निशान पर झुका, अपने लबों में से दबाता सक करने लगा। काजिम के रोमांटिक मूड को ऑन होता देख अमीरा की टांगों से जान निकली थी। अभी कुछ देर पहले तो इसने अपनी कैद से इसे रिहाई दी थी कि अब फिर वो इस पर झुका तमाम हदें पार करने के मूड में था। स्याह निशान से ट्रेस करते वो अपने लबों को इसके सीने के दरमियान में रखता, इसके सीने की नरमाहट को महसूस करने लगा। काजिम पीछे हटे, मुझे शावर लेने जाना है। अमीरा इसके कंधों पर हाथ रखती इसे खुद से दूर करने की अपनी सी कोशिश करने लगी। तो जाना मना किस काफिर ने किया है, बल्कि आज तो हम दोनों साथ में शावर लेंगे। काजिम लब इसके पेट पर रखता, इसकी आंखों में देखता, अपनी बाई आंख विंक करता मुस्कुराता हुआ बोला, साथ में क्यों? अमीरा की जबान से लफ्ज अटकते हुए अदा हुए। इसे अंदाजा नहीं था काजिम खान इस कदर बेपाक होगा। रात को सारी मेहनत मैंने की है और तो शावर तुम अकेले लेना चाहती हो, और वैसे भी रात तुम मेरी हो तो गई हो, फिर साथ नहाने में अब कैसी शर्म? काजिम झुकता इसके कान में सरगोशी करता मुस्कुराता इसके कान की लू को जोर से अपने दांतों में दबाया।